हाय गाइस, कैसे हो? वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज टीजे, इस चैनल का होस्ट और आप सबका दोस्त। सो गाइस, अभी कैसा है? हम लोग का ये कंसेप्ट है कि डे विद द आर्टिस्ट, और आज हम लोग शूट करने जा रहे हैं स्लॉट भाई को। अभी कैसा है, ये जो बंदा है इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट ट्रम्पर्स में लिस्टेड होता है, मतलब बहुत ही डोप बंदा है, यू नो, लाइक उसको देख के लाइक गुज़बम्स आ जाते हैं कि ग्रो करता है, लाइक कैसे करता है, लाइक स्लॉट 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 हमें स्लॉट करता रहता है। ओके, सो आज हम लोग बेसिकली उसके रूटीन हम लोग कवर करने वाले हैं कि क्या करता है दिन भर में, कैसे करता है, उसका सेशन है, उसके हर एक चीज़। ओके, सो लेट्स सी क्या करता है। फॉलो मी गाइस, कम ऑन। हेलो आंटी, कैसे हो? अपूर्वा जी क्या कर रहे हैं? ओके, चलो अंदर। आंटी तो बोल रही हो अब तक सोए हुए भाई साहब हमारे, तो लेट्स सी। अच्छा आंटी, कहाँ पर है उनका रूम? ये स्टेट। ओके, फुल घेरे इनमें। ओके, मुझे खुद को कॉल करके कितने बजे बुलाया पता है? 10:30, और अभी 10:30 भी हो रहा है। लेट्स सी। Hey brother, wake up man. Hello. Hey. Okay. Hey brother, what's up man? A very good morning bro. How are you bro? भाई फाइनली उठ चुके। ओके, सो स्लॉटर भाई अभी हमारे साथ उठ चुके हैं, आधे अभी भी नींद में। ओके, सो अभी मतलब स्टार्ट करने से पहले आपका पूरा दिन भर का शेड्यूल बताओ कि क्या क्या होने वाला है, क्या किधर जाने वाले हो, कैसा सीन है? अभी पहले तो फ्रेश होते हैं, बट फ्रेश होगा। ओके, फिर मैं आपको थोड़ा मतलब मेरा हुड दिखा देता हूं। ओके, फिर मेरे दोस्त लोग हैं काफी सारे, कुछ रैपर्स हैं, कुछ डांसर्स हैं, तो उन लोगों को बुलाते हैं, उन लोगों को मिलते हैं, सब शेयर करते हैं। उसके बाद आज जैसे कि आपको पता होगा मैं बुधार कॉलेज में जज कर रहा हूँ। मतलब एवरीडे इज जजिंग, एवरीडे नुस्ता जजिंग। तो अपन वहाँ यहाँ से बुधार कॉलेज चलते हैं, फिर आफ्टरनून में, फिर बाकी का शाम को डिसाइड कर देंगे। ओके, लेट्स सी, चलेगा चलेगा। अच्छा ब्रो, लेकिन फ्रीक भाई थोड़ा कैमरा यहाँ पे घुमाओ, घुमाओ जल्दी घुमाओ। शिट मैन, ये आई स्वेयर मैंने ना अभी तक नहीं देखा, मतलब आया सब बात भी कर लिया, लेकिन ये तो फुल सही है। सही, फ्रीक फ्रीक फ्रीक, ये क्या है भाई? इसका मतलब फनी, ये तो थोड़ा आ जाओ यार, देखो फुल नंगू पंगू स्लॉटर, बी बॉय स्लॉटर। मतलब मेरा स्कूल टाइम से लेकर पूरा कॉलेज टाइम तक का फोटोग्राफ है, जो मतलब मैं 18 इयर्स का हो गया था तभी मेरे मॉम ने गिफ्ट किया था। मतलब ये कोलाज उन्होंने ही बनाया था पूरा। nice. और 18 बर्थडे पे गिफ्ट किया था। फिर ये फोटो जो है ये मेरे डैड ने बनाया, 2002 में बनाया, 7/10/2002 में बनाया मेरे डैड ने। तो वो ऐसे मेरे को गिफ्ट करने का था उनको, तो हमेशा से मेरे डैड आर्टिस्ट है, पेंटिंग करते हैं वो, स्कूल से पांच से सीखे, तो उनको हमेशा ऐसा, तभी मैं ऐसे ही बैठा था और रैंडमली उन्होंने वो पेंसिल कलर्स आता है ना उससे बना दिया था, फिर मॉम ने उसको ऐसा फ्रेम करके ले लिया। ये दोनों काफी फेवरेट है, क्यूट लग रहा है वैसे, काफी अच्छा दिख रहा है उसमें। और अभी जब यहाँ पे आ गए तो मोमेंटोस कहाँ कहाँ के, किधर किधर के बता सकते हो? ये मेरा सबसे पहला टाइटल है लाइफ का, 2016 का, जो औरंगाबाद में मैं जीता था। नाइस, जिधर समीप भाई भी जीते थे। ओके, हम लोग दोनों मतलब फर्स्ट टाइम वहाँ पे मिले थे। फिर ये है टू द कल्चर 2016 का, जो भी सबसे पहला कम कैटेगरी हुआ था ये उसका टाइटल है। फिर ये वैभव गुगे जो है, वैभव गुगे सर, तो उनके यहाँ पे मैंने शोकेस किया था उसका है। फिर देन ये पुणे का है जहाँ पे मैं जज भी किया था, और सिमिलरली उसके बाजू में ये है जो मैं पैंथर के साथ उतरा था और डू ऑन टू रेपियो स्टाइल जीत गया था। तो दिस आर फ्रॉम पुणे। ये छत्तीसगढ़ भिलाई से, जहाँ पे मेरा एक लिल होमी भी रहता है, तो मैं वहाँ गया था। और फिर पुणे, औरंगाबाद, यही। और ये भी काफी अच्छा है, टैंट्रम डांस एकेडमी करके, तो उन्होंने मेरे को ये गिफ्ट किया था जब मैं वर्कशॉप लेने गया था। तो ये काफी फेवरेट है मेरा, क्योंकि मतलब मेरे को अच्छा लगा काफी। तो ऐसे, और बाकी सब तो फिर मम्मी ने कपाट में रखे, लगाने के लिए जगह नहीं है। अच्छा,
ब्रो आपके टाइटल्स सो बहुत सारे हैं, मतलब अच्छा लगता है ना, मतलब इतने सारे टाइटल्स भाई चाहिए ना। हेलो हां ब्रो बोल ना, जस्ट टू टॉक ब्रो, क्या बात कर रहा है ब्रो? ओह शिट शिट, जल्दी गेट 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 भाई, 10:45 हो गया, फ्रेश हो जाना चाहिए। ओके भाई आप फटाफट हो जाओ, तब तक हम लोग टाइम पास कर दें, इनके घर चेक कर दें। सी दैट बॉम्ब। ओके गाइस अभी कैसे है अपूर्व स्लॉट का नाम रियल जी, उसकी मोम अंदर किचन में ब्रेकफास्ट बना रही है सबके लिए। सो उनके पास से अपन कुछ जानना चाहेंगे कि बिहाइंड द सीन अपूर्व भाई सब कैसे आ जाओ। हेलो आंटी, अभी हम आपको थोड़ा सा तंग करने वाले मतलब ये अपूर्व जो है उसका मतलब क्या है, वो घर पे कैसा रहता है, उसका नेचर बिहेवियर थोड़ा सा बता दो। चालेल काय हरकत नाही, ओके सिंपल असतो घरी एकदम, असं काय मला असं वाटत नाही काय वेगळं काय आहे, एकदम सिंपल साधा, एकदम दिवस काय काम नसेल तर घर आणि तो, म्हणजे असं असं नाही की म्हणजे मस्ती वगैरे काय। हा मस्ती करतो माझ्यावर भरपूर, आमचं खूप चांगलं रिलेशन आहे, जसं की फ्रेंड असतात तुम्ही लोक तसं, मी आई म्हणून कधीच त्याला ट्रीट करत नाही असं, त्याला त्याचा स्पेस दिलाय मी, त्याला जे काय करायचंय तो करू शकतो आयुष्यात, फक्त ऑप्शन बी ठेवायचा एवढंच मी सांगितलंय। अच्छा त्याची एक एक अशी सवय जे तुम्हाला अजिबात आवडत नाही? मला तो उशिरा उठतो ते अजिबात आवडत नाही आणि आंघोळ करत नाही लवकर, अजिबातच नाही आवडत। म्हणजे रोज तर करतो ना? रोज करतो पण कधी पण करतो। अच्छा म्हणजे टाइम टेबल काय आहे? माणसाने कसं सकाळी आंघोळ केली पाहिजे, नाश्ता केला पाहिजे आणि मग रोळा ना, तुम्हाला किती रोळायचं आहे तेवढं, आणि दुसरं म्हणजे रात्रभर मोबाईल वर असतो ते आवडत। अच्छा पबजी खेळतो काय तो? भरपूर। अरे बापरे अजिबात आवडत नाही। बरं वाटलं त्याच्या बिहाइंड द सीन्स तो कसा आहे कैसा है स्वटर हमारे भाई अपूर्व, उनके बारे में पता चला उनके मुंह से। लेकिन अभी टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है, 10:45 को गया है बंदा एंड 11:50 पता नहीं क्या कर रहा है, हम लोग बोर हो रहे हैं यहाँ पे। 20 minutes later तो म्हणजे असं असतं दिवसभर घरी। ओके फायनली आधे घंटे पैसा इतके सारे आम्ही रिसेंट टाइटल है मेरा जीता हुआ जो पुणे से मैं जीत के आया ये, और बाकी ये सब है और टाइटल जो है ग्राम जज का टाइटल है जो अहमदाबाद में हुआ था, और काफ़ी और टाइटल्स है जो लगाने इतने सारे है, पर अभी फिर मम्मी बोल रही है स्पेस नहीं है करके। तो ब्रो मैं डेविल्स क्रू से बिलोंग करता हूँ, ओके, और हम लोग ने एक जैम रखा था रिदम माफिया, उसका टाइटल यहाँ पे नहीं है, रिदम माफिया का टाइटल यहाँ पे, उसका मूवमेंट तो आपको रखना चाहिए वहाँ पे, इनफैक्ट एटलीस्ट मेरे मुझे दिलासा देने के लिए कम से कम। नहीं नहीं है, पर वो कैसा दो मूवमेंट हो गया ना, ओके वो थोड़ा ये रिदम माफिया रनर अप आया था ऑल स्टाइल्स में रिदम माफिया में, और ये मेरे जज का टाइटल। और बाय द वे गाइस ये दोनों मैंने बनाया था। हाँ और ये दोनों इन्होंने बनाया। हाँ ये फोटो के लिए ना कम से कम 3 दिन से पीछे पड़ा था मैं और आखिर में इंस्टाग्राम से मैंने स्क्रीनशॉट निकाल के उसको ऐसे चिपका दिया। सही है, मेरे को मतलब बहुत प्यार है ये सब मोमेंटो से, क्योंकि मतलब ये मैंने बहुत टाइम का मेहनत है, और ये मतलब पहले मैं बहुत ऐसा सोचने का कि कब मैं भी जीतूंगा, तो मेरे पास भी इतने सारे मोमेंटोज होंगे, अभी मेरे को अच्छा लगता है कि हाँ है इतनी सब चीज़ें हैं मेरे पास, तो सही और बस चल रहा है। तो स्लॉटर भाई मतलब मेरा क्वेश्चन ऐसा, मैं ये नहीं पूछूंगा कि आप करते टाइम क्या सोचते हो, मैं ये पूछूंगा आपको जजिंग करने में ज़्यादा अच्छा लगता है या फिर शोकेस देने में ज़्यादा, नहीं शोकेस, हाँ शोकेस देने में ज़्यादा अच्छा लगता है या फिर थ्रो डाउन लाइक बैटर जैम्स आप उतर रहे हो वैसे टाइप से? मुझे नहीं
मेरे लिए तीनों का इम्पोर्टेंस अलग अलग है टू बी ऑनेस्ट. मतलब मेरा मूड रहता है, अगर मैं कहीं पे जज कर रहा हूँ और वहाँ पे ऑल स्टाइल कैटेगरी है, अगर मैं क्रम जज हूँ, मेरा मूड क्या तो मैं उतर जाता हूँ. तो मतलब मेरे को ऐसा मेरे मूड पे डिपेंड करता है. बैटल करना मेरे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेरे को लोगों को मेरा एग्जिस्टेंस बताने है कि मैं क्या हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मैं कैसे खुद को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. ये उन लोगों को रियलाइज़ करवाने कि सब लोग का स्टोरी अलग अलग है. अब बहुत बार ऐसा हो जाता है कि लोग जज कर लेते हैं इंसान के पर्सनैलिटी के ऊपर से, उसके अटायर के ऊपर से, उसके स्किल्स के ऊपर से. तो मेरे को ये बताने का है कि कंपेयर मत करो. डांस बना है इक्वालिटी के लिए, सबको इक्वली लाने के लिए. डांस बना है पीस और यूनिटी के लिए. तो अगर हम इसमें भी लाएंगे तो क्या फ़ायदा. तो इसके लिए मेरे को बैटल करना अच्छा लगता है, क्योंकि जो ये सब करता है उन लोग से मेरे को बैटल करके उन लोगों को हराने गए, ताकि उन लोगों को पता चले कि सब लोग का स्ट्रगल अलग है, तो किसको जज नहीं करना चाहिए. जजिंग मेरे को इसके लिए अच्छा लगता है क्योंकि मैं लोगों को एजुकेट कर पाता हूँ, तभी मेरे पास अथॉरिटी रहता है एजुकेट करने का. अगर मैं इसी नॉर्मली जाके बोलूँगा कहीं पे, कोई मेरा नहीं सुनेगा. पर बट एज अ मैं जज बोलूँगा तो लोग मेरे को पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि ये जज है आज का. तो तब मैं लोगों को एजुकेट करता हूँ. शोकेस मेरे लिए हमेशा शोकेस ये रहता है कि मैं मेरा प्रेजेंट सिचुएशन जो रहता है और मेरे को जो सब फील होता है अंदर, मेरे को जो लगता है मैं वो एक्सप्रेस करने का ट्राई करता हूँ. तो तीनों का इम्पोर्टेंस है, मेरे को तीनों चीज़ अच्छी लगती है बहुत ज़्यादा. ओके नाइस. बट टू बी ऑनेस्ट बैटल एकदम टॉप पे बैटल. आपका हर एक शोकेस मतलब ऐसा रहता है कि वाओ. पहले तो आप एकदम वाइल्ड हो जाते थे, अब ये आपको देखिए आपका मतलब मूव्स तो वाइल्ड रहता है लेकिन कहीं ना कहीं वो दिल को छू के ना रुला देता है. तो मतलब ऐसे आपने सोच के रखा कि हर एक शोकेस में मैं रुलाने वाला पब्लिक को? ऐसा तो कुछ नहीं है. मतलब मैंने कभी मतलब बोलते ना सोचा नहीं कि जब मैंने रिदम माफिया में शोकेस दिया था अभी मुझ में गई, तो मेरे मॉम का फेवरेट गाना जब से दिया है. तो मेरे को बहुत टाइम से ऐसा था कि एक बार ये सॉन्ग पे नाचना है अभी, मतलब वीडियो लेना बाकी है मेरा अभी भी. पर देन जब भी मैंने ऑन द स्पॉट वीडियो देखा था तो मेरे को काफ़ी मतलब मेरे को लगा कि मैंने कुछ किया. तो वो ऐसा था कि मेरे मॉम का फेवरेट गाना है तो मैं इस पर भी करना चाहूँगा. मैं शोकेस देने पहले से ना, पहले मतलब अगर मेरे को शोकेस देना है कहीं पर, उसके पहले मैं मेरे दोस्तों को पूछता हूँ कि यार तेरा फेवरेट गाना कौन सा है. तो अगर वो बोलेगा ये गाना है तो मैं उस पर डांस कर रहा हूँ, क्योंकि वो उसका फेवरेट है. ताकि मैं मेरे डांस से किसी को हील कर सकूँ, क्योंकि नॉर्मली लोगों के सैड सॉन्ग्स काफ़ी फेवरेट होते हैं. तो मैं जब उस पर नाचता हूँ लोग देखते हैं तो उन लोग रिलेट कर पाते हैं और लोगों को थोड़ा रिलैक्स फील होता है. तो मेरा डांस में वो हीलिंग लगता है, मैं लोगों को हील करना चाहता हूँ. और जब मतलब मैं शोकेस देता हूँ रिदम माफिया में, जैसे आप भी थे, सब लोग रो रहे थे, मेरे को एंड तक समझा नहीं कि क्यों ऐसा हुआ. पर बाद में मेरे को लोगों ने एक्सप्लेन किया कि मेरा जो ऑरा का वाइब था, मेरा जो एनर्जी था, वो इतना स्ट्रांग था कि सब लोग मतलब बोलते हैं ना दो तरीके के डांसर्स रहते हैं. एक डांसर वो रहता है जो खुद के ही जोन में नाचता है, दूसरा डांसर वो रहता है जो सबको अपने जोन में ले लेता है, मतलब सबको एक अम्ब्रेला के नीचे ले लेता है. तो मेरा डांस थोड़ा वैसा है, मैं सबको अपने जोन में लेता हूँ तो उन लोग भी फील करने लग जाते हैं. तो शायद ये मेरे लिए प्लस पॉइंट है. ये इनका अम्ब्रेला ऐसा है कि इसमें लोग रोते गीले हो जाते हैं तो अगर जब भी परफॉर्म करेंगे अम्ब्रेला के बाहर सूखे रहोगे जरूर, वरना रो रोगे भीग जाओगे. मतलब मेरे को भी अच्छा लगता है कि लोग मेरे आर्ट से, मतलब मैंने कभी ऐसा नहीं देखा है कि मैं एक डांसर हूँ या मैं एक क्रम्पर हूँ. मैं हमेशा खुद को आर्टिस्ट जैसा देखा हूँ कि मतलब मैं एक आर्टिस्ट हूँ सबसे पहले, क्योंकि ये भी एक आर्ट है, डांस भी एक आर्ट फॉर्म है. तो मेरे को इसको खाली एज अ डांसर नहीं जीने है, मेरे को एज अ आर्टिस्टिक वे में जीने है कि मैं इसमें कितना कुछ कर सकता हूँ. अभी किसी किसी लोगों के लिए आर्टिस्टिक का मीनिंग होता है कि वो लोग कुछ ज़्यादा क्रिएटिव कर देना, आउट ऑफ बॉक्स कर देना. मेरे लिए आर्टिस्टिक ये चीज़ है जो तुम हो, वही एक आर्ट है. क्योंकि अपन किसी ये यूनिवर्स ने बनाया गया आर्ट है, सब हम लोग आर्ट है, बने हुए चीज़ है, तो वो भी बनी हुई चीज़ है. तो मेरे लिए ऐसा है आर्ट का डेफिनेशन, जस्ट बी योर सेल्फ, दैट इज़ आर्ट. अभी वैसे जा किधर रहे हैं? अभी अपन जा रहे हैं मतलब हम लोग जिधर चिल करते हैं हम लोग के होटल में. ओके तो उधर जाते हैं, तो उधर अपने दोस्त लोग आ रहे हैं, तो मैं उन लोग से मिला था आपको. मतलब गुड दोस्त, गुड वाले दोस्त हैं. ओके जो हमेशा मेरे को सपोर्ट करते हैं, बैकअप देते हैं, कुछ भी रहेगा मिलते रहते हैं हम लोग, चिल करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं. मतलब वही दोस्त हैं मेरे, और ज़्यादा दोस्त नहीं है. तो उन लोग भी फटे टैलेंटेड है, उन लोग से मिलते हैं थोड़ा और फिर चिल करते हैं. चलो फिर जाते हैं. चलो I'm sorry.
सानी के थे, ये वॉकिंग करता है और असासिन स्कूल को रिप्रेजेंट करता है। ये मेरा दोस्त है, वॉल को रैप करता है, सिनेमेटोग्राफर है, फोटो एडिट करता है, वीडियोज़ भी एडिट करता है। ये प्रोफेसर है, ये भी रैप करता है। ये रोडिक्स है, ये भी रैप करता है। ये एडिक्स है, ये भी रैप और बीट बॉक्स करता है। ये साइको है, ये भी रैप करता है और बीट बॉक्स भी करता है। तो मतलब कैसा सीन है, मतलब मैं ज़्यादा आर्टिस्टिक लोगों के रहें बीच में रहने को ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरे को पहले से कि मतलब लोग जब भी ऐसा पांडू बोलते तो हमेशा क्राइम्स ये वो और अभी जब भी हिप हॉप भी आ रहा है, पर ऐसा सीन हो गया कि लोग जस्ट बिकॉज रैप और बीट बॉक्स करने लगे, काफ़ी सारे लोग हैं आके, नाम नहीं लेना चाहूँगा, जिन लोग का हिप हॉप से रिश्ता भी नहीं है, पर फिर आज के तारीख में उन लोग ही हम लोगों को सिखा रहे हैं कि ऐसा है वैसा है। तो इन लोग ऐसे हैं जिन लोग बहुत टाइम से कर रहे हैं, पर बोलते हैं ना कोई भी आ जाए कुछ भी आड़ा टेढ़ा बड़ा बड़ा करके फेमस हो रहे, तो मैं हमेशा चाहता हूँ कि इन लोग जो लोग हैं उन लोगों को लोग रिकग्नाइज़ करें और उन लोगों को पता चले कि हम लोग इधर भी सीन है और अच्छे आर्टिस्ट है। मतलब रैपर्स हो, बीट बॉक्सर्स हो, डांसर्स हैं, वो बाद में अच्छे आर्टिस्ट है और हम लोग भी इधर मतलब सर्वाइव कर रहे हैं। हम लोग के भी इधर ऐसा कुछ चिल सीज नहीं है ना, हम लोग थोड़ा वेस्टर्न साइड में रह रहे हैं इधर, हम लोग बहुत स्ट्रगल करके, सब लोग स्ट्रगल करते हैं इधर, अलग अलग हसल है सब लोग का लाइफ में। तो मेरे को ऐसा है कि अभी मैं थोड़ा जो भी हो तो मैं अभी चाहता हूँ कि मैं मेरे लोगों को हेल्प करूँ ताकि उन लोग ऐसे मतलब सीन से बाहर निकले जहाँ पे सिर्फ नकली लोगों को एक्सपोजर मिले। हाँ तब रहे हो तो मेरे को आर्टिस्ट लोगों को दिया, तो ऐसा तो मैं इन लोगों के साथ ही छिल कर तो यही सीन भाई। आप थोड़ा मेरे को इनसे पर्सनल बात करिए। सेंटर में ओके सो अभी एक चीज़ मुझे बताओ, स्लॉटर भाई, स्लॉटर भाई बोल रहा हूँ, आप लोग उनको मतलब तुम लोग उनके मतलब खास मंडल लोग, तो मतलब आप लोग उनको क्या नाम से बोलते अप्पू? ओके तो आज से हम लोग भी उनको अप्पू बोलेंगे, अप्पू भाई। ओके सो एक ऐसी आदत बताओ जो तुम लोग किसी को पसंद नहीं आती। तो अप्पू भाई का एक ही आदत हम लोग को पसंद नहीं है, समझ कोई जान जाना रहेगा भाई। जैसे तुम लोग का रिदम माफिया था, तो हम लोग समझ 12 PM का रिपोर्टिंग टाइम था, रुपये को 12 बजे। तो मैं उसके घर पे पहुंचा कुछ 11:30 बजे, उसने बोला मेरा आवा के रेडी है बनता है कैब बुक करने का, तुमको निकलने का। अच्छा जैसे मैं घर पे गया तो ये मस्त चद्दर उठ के सो गया था। अरे मतलब लेट आना, लेट लगती है काइंड ऑफ बटे तक लेट, नेक्स्ट लेवल। ओके अभी एक ऐसी आदत बताओ जो लोग सबको अच्छी लगती है। अच्छी आदत भी नहीं बताना चाहेगा अभी मैं मेरे बारे में, या फिर मोस्टली सबके बारे में बता सकता हूँ, जितने भी लोग अभी इधर हैं। बॉर्डर अप्पू भाई हम लोग से पहले से ही क्रम चालू किए, मतलब मोस्टली आर्टिस्टिक चीज़ों में सबसे पहला वही आया इधर बांधकर। तो एज ए इंस्पिरेशन वो हम लोग को बहुत मतलब उसको हम लोग देखते हैं। तो ऐसा अभी हम लोग इधर गलत भी हो रहे हैं ना कुछ हर जगह, तो सबको इक्वली उतना ही गलत चीज़ कैसा सही करने का, ये चीज़ हम लोग बता रहे हैं। तो वो बहुत अच्छी आदत है। और एक अच्छी आदत है मेरे हिसाब से वो है मेरे को घर पे ड्रॉप करने आता है। हाँ स्कूटी से ब्रो ओके तुझे सही है, वरना अल्टर शॉट हो जाएगा फटे। तो सही है, कुछ सीन नहीं है। मैं लास्ट यही बोलूँगा कि ये सब लोग आर्टिस्ट लोग हैं भाई, तुम लोग चेक कर सकते हैं मेरे प्रोफाइल में, मेरे को DM करो कभी भी। सब लोग रैप करते हैं, बीट बॉक्स करते हैं, इन लोगों का आर्ट जाके एक बार चेक करो, माँ का सब अच्छा लगेगा तुम लोग को। जितने फेमस रैपर लोग को तुम लोग सुनते ना, उतना इन लोगों को भी सुनोगे, अगर बात सुनोगे इन लोगों को, समझ रहे हो? ऐसा सीन है। बाकी भाई लोग यू शॉर्ट और सबको हमेशा मेरे को सपोर्ट करते हैं भाई लोग मेरे, और मैं भी वही ट्राई कर रहा हूँ कि मेरे से जितना हो सके मैं इन लोगों को देऊँ, कि ताकि मतलब कुछ भी रहे, मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि कभी हो जाए तो इन लोग बोले कि इसने कुछ किया है। मेरे को ऐसा चाहिए कि जब मैं वो लेवल पे रिप्रेजेंट करूँ तो मेरे को मेरे बाजू में इन लोग भी दिखे, तब मेरे को बड़े प्राउड फील होएगा कि मेरा हुड भी सबसे खतरनाक है क्या, समझ रहे तुम लोग? ऐसा सीन है। और अभी बाकी 12:30 हो गया, मेरे को 12 बजे बुलाया था पुदर वाले लोग ने, तो अभी लेट हो गया, निकल नहीं। चलो गाइस चल चल अच्छा लगा तुम लोगों के साथ आने के लिए। सो मतलब अभी जजिंग पे जा रहे हो, तो क्या सोचते हो जजिंग पे जाते टाइम? हमेशा लाइक आप तो हमेशा ट्रैवल करते रहते हो, तो आपको मेन जजिंग जाते टाइम ट्रैवलिंग में मज़ा आता है या फिर जजिंग करते टाइम मज़ा आता है या फिर मज़ा आता है, क्या है? बस मज़ा आता है मेरे को, मतलब
अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है। यही मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था तो वही मतलब जो सब लोग फेस करते हैं, ऐसा मेरा कुछ नया नहीं बोलूँगा मैं, सब लोग वही फेस करते हैं, ट्रैवल के लिए पैसा नहीं है, समझ रहे हो, ट्रेन का टिकट नहीं लेते अपन, गर्दी में घुस जाते हैं, वैसा सब सीन। फिर जाने का रजिस्टर, एक दिन थकवक के जाने का, फिर वो इवेंट के बाहर रुको रजिस्टर्ड करने के लिए, फिर चेकिंग होता है, ये होता है, वो होता है। कॉलेज इवेंट्स में, नॉर्मल इवेंट्स में जाओ तो रुको ऐसा रजिस्टर करने तक, ये सब जज करने जाते तो हाँ थोड़ा अलग फीलिंग रहता है कि हाँ मस्त सॉर्टेड है, कैब वैब आता है मस्त जाने का, ट्रैवल बाहर बार ट्रैवल करूँगा तो फ्लाइट वाइट, पहले तो मतलब ट्रेन से कभी नहीं ट्रैवल किया मैंने, बस और गाड़ी प्रेफर किया है, पर अभी फ्लाइट वाइट से भी ट्रैवल करता हूँ, तो मेरे को मतलब मेरे को अच्छा लगता है, मतलब मेरा ड्रीम्स फुलफिल हो रहा है तो मैं एंजॉय कर रहा हूँ फटे। ओके नाइस। मतलब कभी सोच, मेरी मॉम भी बोलती है कि पता नहीं अगर तू ये नहीं करता तो शायद हम लोग भी तेरे को इतना नहीं घुमा पाते जितना मैं घूम लिया, मैं नेपाल वेपाल गया हूँ, बहुत सारे जगह पे गया, दिल्ली दिल्ली में मतलब लैंड किया था तो हम लोग घूमे हैं, दिल्ली कोलकाता घूमे हम लोग, लैंड किए थे तभी, बहुत सारी जगह पे गया हूँ जहाँ पता भी नहीं था शायद कभी जा पाऊँगा या नहीं, तो बस एंजॉय कर रहा हूँ, फेज है मेरा सही है। और जब भी जज करता हूँ तभी तो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा लगता है मेरे को, क्योंकि मैं नए लोगों को देखता हूँ और उन लोग से इंस्पायर होता हूँ, उन लोग से सीखता हूँ मैं कि मतलब उन लोग कैसे, तो फिर मैं वो सब थियोरीज मेरे लाइफ और मेरे बैटल पैटर्न्स में ऐड करता हूँ। Nice. और ऑब्वियसली नए लोग मिलते हैं तो ज़्यादा मज़ा आता है। सही है। अब एक एक क्वेश्चन मेरा ये है, हाँ आपका फर्स्ट टाइम, हाँ जो मतलब ऐसा था कि बहुत सारे बैटल्स आप कर दिए, बहुत सारी जगह पे आप फेल हुए हो, फिर अचानक से आपको एक कॉल आता है, हेलो सर आप हमारे जैम में जॉइन करोगे, वो कौन सा जैम था एंड देन वो क्या था, मतलब वो फीलिंग कैसी थी? सबसे पहला जैम मैंने गोवा में जज किया था। ओके तो गोवा से डीमलाइज करके एक क्रू है, ओके जो लोग डांस प्लस में भी थे, तो उसमें एक क्रम्पर है, तो उसने मतलब आया वाया महेंद्र नाम है उसका, तो उसने उसके क्रू को बोला कि ऐसा ऐसा स्लॉट है करके क्रम्पर है तो उसको बुलाना चाहिए अपन ने करके, तो फिर उन लोग ने मेरे को कॉन्टैक्ट किया, ऐसा बातचीत हुआ, फिर उन लोग ने मेरे को बुलाया, तो जब भी मैं गया तो मैं ऐसा था कि शिट, मतलब तभी मेरे को नहीं पता था मैं अच्छा डांसर बोल सकता हूँ या अच्छा बैटल कैट था मैं, पर मेरे को जज का नहीं पता था, पता ही मेरे को ऐसा लगने कि आज जज ही तो कर रहे हैं बंटा, ऐसा हाथ वाथ दिखाने का अच्छा नाचेगा, तो वो बैटल मैंने वैसे ही कर दिया, मतलब हाँ बस जो अच्छा लग रहा है उसको हाथ दिखा दो। फिर उसके बाद जब मैं मतलब इनटू द कम्युनिटी हुआ, इनटू द सीन, जब मैं देखने लगा लोगों की कैसे जज करते हैं, क्या क्या क्राइटेरियाज होता है, क्या क्या पर्सपेक्टिव होता है, कितने सारे चीज़ें देखनी पड़ती है एक बैटल में, तो तब मैं सब समझने लग गया और धीरे धीरे मेरे जजिंग स्किल्स को डेवलप करने लग गया, क्योंकि मतलब मेरे को ऐसा लगता है जजिंग काफ़ी बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हारा एक डिसीजन किसी को बना भी सकता है, एक डिसीजन किसी को गिरा भी सकता है, एक डिसीजन के वजह से तुम किसी के नज़र में बहुत ऊपर जा सकते हो, एक डिसीजन के वजह से तुम लोग किसी के नज़र में बहुत नीचे भी गिर सकते हो, तो मेरे को ऐसा रहता है जब मैं जज करूँ पिन पॉइंट, मतलब बुल्स आईज बोलते हैं ना, हाँ कि यही है, ओ, और सामने वाला भी वो अग्री कर लेता है तो मेरे को बहुत खुशी है। फर्स्ट जजिंग पर मेरा बहुत फनी था, okay. बहुत फनी, मैं ऐसा अच्छा नाच रहे हाथ दे दो, अच्छा नाच रहे दे दो, तू भी अच्छा था, वो आ रहे हैं क्या मूव था ब्रो तेरा, ऐसा था फुल ट्रिप था। ओके ओके, सो मैं मतलब बेसिकली अभी ये जो है ऑडियंस, हाँ, जो भी क्रम्पर्स है नॉर्मल ऑडियंस सबके लिए, हाँ, अगर सपोज आप ऑल स्टाइल जज करने जा रहे हो, हाँ, ठीक है अभी ऑल स्टाइल डांसर्स आएंगे उसमें, तो उस टाइम आप क्या मतलब आपका क्राइटेरिया क्या रहता है जजिंग के टाइम पे, आप क्या सोचते हो कि हाँ ये पॉइंट्स है, हाँ ये पॉइंट्स में तो फिट हो रहा है बराबर, वो क्या है? बेसिकली मैं ऑल स्टाइल जज करने के पहले ना ऑल स्टाइल कैटेगरी में रिप्रेजेंट करना चालू किया, क्योंकि कैसा होता है अगर मैं एक क्रम्पर हूँ मेरे को बाकी स्टाइल्स के बारे में कुछ पता ही नहीं तो मैं ऑल स्टाइल्स जज ही नहीं कर सकता हूँ, मैं केपेबल ही नहीं हूँ उसके, क्योंकि मेरे को उसका थोड़ा भी नॉलेज नहीं है, मतलब 1% भी नहीं है, तो जज करने के पहले मैंने स्टडी करना चालू किया हर एक चीज़ के ऊपर, जैसे मैं डेवियंस को मिला तो उन लोग से अलग अलग सीखा, मैं फेमस को मिला उन लोग से अलग अलग सीखा, नेचर्स प्ले को मिला अलग अलग सीखा, खाड़ी हुड को मिला, नॉट सीन बिफोर को मिला अलग अलग सीखा, ऐसे जितने भी क्रूज हैं मैं सबको मिल के उन लोग से बात करके नॉलेज गेन किया, फिर मैंने सोचा कि अब मेरे को लगता है कि मैं ऑल स्टाइल जज कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को नॉलेज है चीज़ों का, मेरे को कंटेम्प का नॉलेज है, क्योंकि मेरे को बॉलरूम बैलेट के बारे में पता है, तो मैं हर चीज़ के बारे में स्टडी करते रहता हूँ, तो जब मैं ऑल स्टाइल जज करता हूँ, ऑल स्टाइल मैं कोई भी कैटेगरी जज करूँ, मेरा सबसे पहला क्राइटेरिया होता है कि बी योर सेल्फ, मेरे को तुम क्या हो वो देखने का, तुम क्या कर सकते हो ये नहीं देखने का, ओके समझ रहे हो, मतलब तुम क्या हो और क्या करते हो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, कर सब लोग बहुत कुछ कर सकते हैं पर खुद को एक्सप्रेस करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है,
तो सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि मैं देखना चाहता हूँ तुम क्या। उसके बाद ओरिजिनलिटी से मेरे को बहुत ज़्यादा प्यार है, क्योंकि मतलब मैं खुद ऐसा बंदा हूँ, मेरे को हमेशा फ्रेश और ओरिजिनल रहना अच्छा लगता है। क्योंकि मतलब हम इधर उधर से उठाए ठीक है, वो इंस्पिरेशन है हमारे, वो इंस्पायर्ड मूव्स है, बट मेरे को लगता है कि अपने इंडियन लोग के पास, अपने इंडियन डांस कम्युनिटी के पास, अपने इंडियन कल्चर के पास इतने फ्लेवर्स हैं ना कि आपको बाहर का देखने का ज़रूरत ही नहीं, अपने पास इतना ज़्यादा एसेंस है। तो मैं वो देखता हूँ, बाद में वही बेसिक्स, फाउंडेशन, म्यूजिकलिटी और इमोशंस। काफ़ी कम डांसर्स थे जो नाच रहे थे, बट देन इट्स ऑल अबाउट लर्निंग, सीख रहे हैं अभी तक हम सब लोग, तो सही है, अच्छा था भाई वो रहा। देखिए बिहाइंड द सीन, लाइक स्लॉटर का बिहाइंड द सीन कैसा है, जजिंग हो गया, जजिंग के बाद स्लॉटर घर पे आ रहे, तो उस टाइम पे माइंड पे क्या रहता है? उस टाइम में यही सोचता हूँ अब घर पे जाके कब खाना खा के सो जाऊँ, क्योंकि मतलब जजिंग में भी काफ़ी थकान होता है, काफ़ी बैठे रहो, डिसीजंस दो, सोचो, तो काफ़ी स्ट्रेसफुल होता है वो, तो पूरा एनर्जी ड्रेन्ड आउट हो जाता है। तो हमेशा मैं जब घर पे जाता रहता हूँ यही सोचता हूँ कि बस अभी घर जाना है, खाना खाना है और सो जाना है, और खाना खा के अगर थोड़ा भी एनर्जी रहा तो पबजी खेलता हूँ। ओके तो फिर मतलब एक और क्वेश्चन, आज के जैम में डोप कौन लगा? तनुज फटे, मतलब नेक्स्ट लेवल डांस, तनुज एंड ऑगी, ऑगी ने तो सबका दिल जीत लिया, क्योंकि प्योर डांस, और तनुज मतलब बोलते हैं ना, एक जो चाहिए एक डांसर में वो था आर्टिस्ट, आर्टिस्टिक चीज़ें दिखती है तनुज के डांसिंग में, तो तनुज और ऑगी। ओके, और भी बहुत सारे डांसर्स थे जिन्हों जो आज थ्रो डाउन दिए, और कोई ऐसा लगा कि नहीं यार ये और थोड़ा कर सकता था और उसने किया नहीं ऐसा तो कोई नहीं है अभी, मतलब फिलहाल सब सही है, मतलब अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं इवेंट में, तो सही है जैसा भी है। ओके हां ओके सही है, मतलब तुम लोग की गलती, तुम लोग ने ठीक किया। सो ब्रो अच्छा लगा अडे विद द स्लॉटर, बहुत सही था, इनफैक्ट मुझे बहुत सारी चीजें आपके पास से सीखने मिली और ऑडियंस भी बहुत सारी चीजें सीखेंगे आपकी तरफ से, तो अच्छा है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू यू। Bro, shout out to BTS, Tweet Logic, you already know. And thank you so much, Vinit, my bro, videographer. Yes, bye. काफी ज़्यादा। आपको भी बहुत बड़ा shout out सुबह से आप दोनों हैं मेरे साथ। हाँ। सही है, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, अच्छा time गया, बहुत सही लगा। चलो दिन मिलते। चलो मिलते हैं जल्दी। ख्याल रखो। ठीक है। हाँ, ठीक है, ठीक है। Woo! So guys, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा fun किया, Slaughter भाई के साथ experience बहुत dope था।
वो सारी चीज़ें शेयर की उनके बचपन के, उनके अभी के, आगे वाले टाइम के, वो सारी चीज़ें शूट भी नहीं कर पाए क्योंकि क्या बताओ बिजी थे काफ़ी हम लोग। बट ओवरऑल एक्सपीरियंस बेस्ट, तुम लोग को मज़ा आया रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, गुड नाइट गाइस। गाड़ी भी अपनी।